देखिए, मुगालते पालने में कोई बुराई नहीं, पूरा देश और कोर्ट पहली बार ये तारीफ भी कर रहा है कि अवैध निर्माण पे कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति किसी सरकार ने दिखाई, और वो योगी आदित्यनाथ की सरकार, अब वो मॉडल अब हर स्टेट में फॉलो हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। अतिकुर रहमान साहब बताएं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए क्यों, इलीगल किसी को हथियाने क्यों दिया गया, उस वक्त की सरकारें सो रही थी। अतीक अहमद का घर अगर गिरा दिया जाता है जो कि सरकारी जमीन पे बना हुआ है, तो अतीक अहमद बहुत बड़ा परिश्रम है क्या? नहीं। मुख्तार अंसारी का अगर निर्माण गिराया जाता है जो कि अवैध सरकारी जमीन पे बना हुआ है, फरिश्ता थे क्या? क्या थे वो लोग? एक मिनट, क्या थे वो लोग? और दूसरी बात, अभी कह रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के कि गरीबों के घर तोड़े गए हैं। अरे भाई साहब, गरीबों के घर तोड़े नहीं गए, रिकॉर्ड आज की तारीख में रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 2024 का रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में 94 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं। रामपुर का वो गांव खिचड़ीपुर जिसमें हमें एक वोट नहीं मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ मुसलमानों के बने। ये सरकार हिंदू मुसलमान देख के काम नहीं करती है, आप देख के काम करते थे कि कौन मुसलमान है। मुलायम सिंह यादव का एक नहीं सैकड़ों स्टेटमेंट्स है कि मैंने मुसलमानों को बधाई हूँ, मैं 26% पुलिस में नौकरी दी, मैंने मुसलमानों को 16% यहाँ नौकरी दी। क्या योगी आदित्यनाथ ने कभी कहा कि मैंने हिंदुओं को इतनी दी? जो सरकार हिंदू मुसलमान देख के काम करे वो आप लोग की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं है। हम बड़ी बात कह रहे हैं, आवाज दिया है, 4 करोड़ घर और देने जा रहे हैं, हमारे बजट का घोषणा है। वो बड़ी बात कह रहे हैं दानिश साहब, वो कह रहे हैं कि नौकरी दी जाती है, कोई भी सरकारी सुविधा दी जाती है, उसमें हिंदू मुसलमान देखकर नहीं लेते, लेकिन बुलडोजर एक्शन पे आप लोग बार बार कहते हैं कि देखिए मुसलमान को देखकर एक्शन हो रहा है, मुसलमान के घर गिराए जा रहे हैं। कोर्ट ने आज कहा है धर्मनिरपेक्ष देश है, कार्रवाई तो होगी अगर अवैध निर्माण है, फिर वो मंदिर पर भी होगी, मस्जिद पर भी होगी। देखिए, अगर अगर कोर्ट के आज फैसले को अगर एक्सप्लोर किया जाए तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सरकार को ये बता दिया कि देश धर्मनिरपेक्ष है, बराए मेहरबानी आप इस तरीके के कोई काम न करें। ये सीधा मेरी समझ में तो ये आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहने की कोशिश की है। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम क्या है, वो आ जाते हैं शौचालय पे, विचालय पे, और न जाने किस किस चीजों पे आ जाते हैं। दरअसल इनका इनकी दिक्कत और इनकी परेशानी ये है कि प्रैक्टिकलिटी जो है ये हजम नहीं कर पाते। मैं आपको दिखाऊं, गुजरात की जो आप बात कर रहे हैं ना, गुजरात की पाटण जगह की, पाटण की जाकर डिमोलिशन की बातचीत चल रही है, ये फोटो देख लीजिए आप, विजुअल दिखाइए, ये मंगोल शाह बाबा का मजार है, ये देखिए। नहीं नहीं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने विजुअल चला दिया आपके लिए, ये वो जगह है। सुनिए, ये वो जगह है जहां अंग्रेजों के खिलाफ मुखालिफत करते हुए इस जंग आजादी के दीवाने वहां से वो करते थे, लड़ाई किया करते थे, इस जगह को ढाया गया है। अब आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की ये तारीख है, इसको आप बुलडोजर जस्टिस कहेंगे? बताइए, बुलडोजर जस्टिस कहेंगे? दानिश साहब, आपने जो बात कही है, पुरानी जगह है। दानिश साहब, मेरा बस एक सवाल है, 70 साल। दानिश साहब, मेरा बस एक सवाल, आप ये कह रहे हैं आजादी की लड़ाई यहाँ पर लड़ा करते थे, रानी लक्ष्मीबाई से बड़ी वीरांगना तो नहीं है इस आजादी की लड़ाई में, लेकिन वहां दिल्ली में बुलडोजर इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि वक्फ ने संपत्ति कहा हमारी है और इस पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लग सकती है। कोर्ट को आना पड़ा कहने के लिए कि डीडीए की जमीन है, इसीलिए लगेगी, जो डीडीए चाहेगा वो होगा। अब मुझे बताइए, उस वीरांगना की मूर्ति नहीं लगने दी गई क्योंकि वक्फ ने कहा जमीन हमारी है, आप मुझे ये बता रहे हैं कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है, वहां बुलडोजर चला लेकिन इसलिए चला क्योंकि एक वीरांगना की मूर्ति नहीं लगने दे रहे थे ये कहकर के वक्फ की जमीन है। सिर्फ एक काउंटर दे रही हूं आपकी बात का। देखिए, सुनिए मेरी बात, सबसे पहले तो हाँ, मैं बिल्कुल उसका जवाब भी दूंगा। इस देश में हमने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी सुना है जो कागजों पे नहीं है, कई सालों तक उसका उसके वहां पर ध्वजारोहण भारत का झंडा नहीं फहराया गया,
उनका अपना झंडा फहराया गया, तो उस पर कभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है? नहीं लिया, लेगा भी नहीं, क्योंकि अगर किसी की निजी प्रॉपर्टी है, वक्फ के पास अगर अपनी प्रॉपर्टी है, उसके पास अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर भाई क्यों क्यों आएगा? अभी मैं ये कहूंगा कि आप रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति जो है आपके स्टूडियो में लगा दीजिए, हम बहुत बड़ी मूर्ति लगाना चाहते हैं आपके स्टूडियो में। क्या क्या वो आपकी जगह थी? क्या वो जहाँ आप लोग मूर्ति लगाने, जहाँ आप लोग मना कर रहे थे, क्या वो आपकी एक्चुअल में जगह थी? सच्चाई तो ये होती है कि जो चीजें आपके हिसाब से होंगी उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और अभी सोच लीजिए, अभी जब बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर मस्जिद कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाएगा, आपको लगता है कि वो डिसीजन जी योगी जी के खिलाफ हुआ है इसलिए सुप्रीम कोर्ट आज ठीक है, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी हलाला पर बैन किया जाएगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगानी चाहिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई मजार हटा दी जानी चाहिए, उस दिन आप कहते नहीं जी सुप्रीम कोर्ट, तो हम तो यहाँ खतरे में आ गए, जो यहाँ का समाज है, जो यहाँ की कम्युनिटी है वो खतरे में आ गई, जो आपकी कम्युनिटी स्पेशली वहाँ माइनॉरिटीज यहाँ पर खतरे में आ गए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप पहले अवैध कब्जा करें, और अवैध कब्जा करने के बाद अगर उसको हटाने की बात की जाए तो वो चीजें आपके अगेंस्ट चली जाती है। आज जब आपके मतलब की बात की जाए तो फिर वो आपके लिए फिर परफेक्ट जाता है। देखिए आज मैंने आचार्य मिश्रा को, आचार्य राज मिश्रा और अतिकुर रहमान साहब को इसीलिए इस डिबेट में बुलाया है, दानिश साहब सुनिए ना, इनको इसीलिए बुलाया है क्योंकि कोर्ट ने आज कहा है कि अवैध मस्जिद भी और अवैध मंदिर भी सरकारी जमीन पर नहीं चलेगा, अगर वो अवैध है तो गिराया जाएगा। अब इस देश में सब लोगों को इस बात को मानना होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सड़कों पर उतरकर कोई समाधान नहीं है। अगर कहा अवैध है इसे गिराना है, तो फिर ये वाली बात कहना कि नहीं ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है हमला, क्या ये सही है? मैं ये पूछ, हाँ ठीक है बोलिए, उसके बाद मैं आती हूँ। सुचरिता जी सबसे पहले एक बात सोच लीजिए, हमारे यहाँ तो कब से कब्जा करके इन लोगों ने रखा है, हैं कृष्ण जन्मभूमि पर पेपर हमारे पास है, अवैध कब्जा इन्होंने कर रखा है, लेकिन आज तक हम रोड पर उतर करके आए ही नहीं। जब भी इस देश में, मैंने पहले भी बात किया है, सनातन धर्म और इस देश का हिंदू, अगर कुछ सरकार ने कोई डिसीजन लिया है, कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, मैंने पहले भी इस कार्यक्रम में कहा था कि हमारा सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार होता है दीपावली का, कोर्ट ने कहा कि जी प्रदूषण होता है पटाखे बंद कर देना चाहिए, हमने बंद कर दिया, हमने आज तक रोड पर तो कोई उतर करके नहीं आया। आज भी आप उठा करके देख लीजिए, दशहरे में रावण जलता था, कहा कि उसको कम किया जाना चाहिए, हमने बंद कर दिया। भाई एक बात देख लीजिए, जागरण होता था रोडों पर होता था, कहा गया साहब इसको बंद कर देना चाहिए ताकि रोडों की आवाजाही बेहतर हो, कहीं गलियों में किया था बंद कर दिया गया, हमने उस पर कुछ नहीं किया। पता नहीं कितने मंदिर जिसके डॉक्यूमेंट हमारे पास थे, पता नहीं कितने मंदिर जिसके पेपर हमारे पास थे, और बहुत पुरातन मंदिर थे, लेकिन देश की व्यवस्था के लिए, देश की ट्रैफिक के लिए उनको हटाया गया, हमने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अरे अगर आपके पास पेपर है, कोर्ट ने डिसीजन दिया है, भाई आपके पास पेपर है लाकर के दिखाओ कि जी इसके मेरे ठीक है। और मैंने शायद मैंने दिल्ली के घटना का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि वहां पर एक वीरांगना की मूर्ति लगाने को लेकर इतना हंगामा हुआ। मुझे नहीं लगता रानी लक्ष्मीबाई किसी हिंदू की थी या मुसलमान की, वो तो देश की, जब महान शख्सियतों की बात होती है जिन्होंने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, उनमें उनका नाम आता है। अजय जी बोलना चाह रहे हैं, अजय जी बोलना चाह रहे हैं, मैं आ रही दानिश साहब, अजय जी बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ रही, मैं आपको, अजय जी बोलिए, मैं दानिश जी को याद दिलाता हूं, बहुत अभी कोट कर रहे हैं, जब राम मंदिर पे फैसला आया था कि बाबरी मस्जिद की जगह वहां पे रामलला ट्रस्ट को मिलेगी राम मंदिर निर्माण के लिए, तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं आप लोग, दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी समस्या, ये आपकी गलती नहीं है, या ना आपके कौम की गलती नहीं है, आपके लोगों की गलती नहीं है जो इस तरह के अवैध निर्माण करते हैं। 70 साल से आपको इस तरह से पाला पोसा गया बाकी सरकारों की तरफ से, तो वो आपकी आदत लग गई है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, अब वो आदत टूटने का समय आ गया है, आदत टूट रही है, जब आदत टूटेगी, पुरानी आदत है, जब टूटती है तो थोड़ा तकलीफ होता है, तो मैं समझ रहा हूँ तकलीफ है। अब जैसे कांग्रेस को ही बहुत चीज़ों पर तकलीफ हो जाती है, समाजवादी पार्टी को बहुत चीज़ों से तकलीफ है, आजकल वैसे ही तकलीफ का दौर चल रहा है, नसरुल्ला मारा गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल का सरदार था, लेकिन तकलीफ राहुल गांधी को है, समाजवादी पार्टी को है, चुनाव प्रचार महबूबा मुफ्ती नहीं कर रही है, हमास पे अटैक होता है तकलीफ हो जाती है, तो तकलीफ बहुत चीज़ों से होती है,
तो गलत गलत आदतों को जब रोका जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध मंदिर हो चाहे मस्जिद हो वो ढहा जाएगा, तो इस तरह की आदतों से जब आदमी आदत लग जाए ना तो आदत छोड़ना। अच्छा जवाब तो सुन लीजिए, ठीक है दाने जी, दाने जी जवाब देना चाह रहे हैं, दाने जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। देखिए ये चिल्ला चिल्ला के और पुकार पुकार के कह रहे हैं कि देश की एक वीरांगना की मूर्ति नहीं बनने दी, और ये भारतीय जनता पार्टी जो टीपू सुल्तान की छुट्टी कैंसिल करती है तो क्या वो देश की जंग आजादी का बहादुर नहीं था, जिसने देश की दुनिया को टेक्नोलॉजी दी, रॉकेट की टेक्नोलॉजी देने वाले टीपू सुल्तान थे, लेकिन इनको पेट में तो ये जो परेशानी है इसका ये लाइलाज बीमारी है संघ परिवार की, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, हमने सभी टेक्नोलॉजी तो बाबर ने भी दी थी कि दूसरे देश को कब्जा कैसे किया जाता है, मान ले क्या बाबर को आपको टेक्नोलॉजी बाबर ने भी दी थी कि दूसरे देशों में घुस कर कब्जा कैसे किया जाता है, चंगेज खान ने भी टेक्नोलॉजी दी थी, मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गोरी ने भी सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण किया था, टेक्नोलॉजी दी थी कि लूटा कैसे जाता है, मान ले क्या टेक्नोलॉजी, टीपू सुल्तान आक्रांता था, इसीलिए छुट्टी कैंसिल की कर्नाटक सरकार ने, आप दे दीजिए ना, कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की सरकार है ना कर्नाटक में, दे दीजिए टीपू सुल्तान की छुट्टी। अच्छा सुनिए, ये आक्रांता था, क्यों नहीं दे देते? अच्छा सुनिए, सुनिए जी के बाद जाओ, तमाम लोग आक्रांता थे तो अंग्रेज जो थे आक्रांता, आक्रांताओं को मुगलों के लिए सहभागल, आपके दिल में सिंपैथी है और आपको लगता है कि बहुत बड़े टेक्नोलॉजी जॉइंट थे, अपनी टेक्नोलॉजी अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए।